एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने कल कुछ भी ब्लॉग नहीं किया था। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि कल हमें एसी वाले ने एकदम ही लटका दिया। पहले हाफ डे तक बोलते रहे, मार रहे हैं, आ रहे हैं। हाफ डे के बाद फोन करते हैं कि जो कोर कटिंग वाला बंदा है वो नहीं मिल रहा है, तो हम आज नहीं कल आएंगे। तो वैसे मेरा हाफ डे पूरा वेस्ट हो गया उनके इंतजार में। मैं सोचती रही कि घर भी साफ वाफ नहीं करती हूँ, एक बार काम हो जाए उसके बाद ही क्लीनिंग करूंगी, उसके बाद ही झाड़ लूंगी, और पूरा रूटीन मेरा गड़बड़ हो गया। आज भी वही हाल है। सुबह फोन किया तो कह रहे कि ठीक है आ रहे, कोर कटिंग वाला भी आ रहा है। अभी बज रहे हैं 11 और मैं वेट कर रही हूँ, 10 बजे से कह रहा है कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ। पे ना ये वाले हुक्स दिए हुए हैं इस तरीके से, तो थोड़े थोड़े गैप में जहां जहां पे प्लेटिंग है ना, वहां वहां पे इस तरीके के हुक्स हैं, और इस हुक्स की मदद से यहाँ पे हैंग किया हुआ रहता है ये। तो यहाँ पे देखिए ऐसे वाले दिए हुए हैं जिसमें ये आराम से हैंग हो जाता है, ये वाला। इसीलिए बिल्कुल भी रॉड दिखता नहीं है और अच्छे से पर्दा जो है इसमें हैंग हो जाता है। तो मैंने बोला था कि मुझे ऐसा चाहिए जिसमें रॉड ना विजिबल हो, सिर्फ और सिर्फ पर्दा दिखे, तो ये वाला स्पेशल करवाया था, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक पुराना बेडशीट मैंने डाल दिया है, वहां पे भी एक बेडशीट डाल दिया है। मैं सोच रही थी कि इस पे भी एक बेडशीट डाल देती तो अच्छा रहता, पर इसमें बेडशीट फंस ही नहीं रहा है क्योंकि बिल्कुल स्पेस ही नहीं है कि फंसाऊं मैं। तो जहां पे हमारा ये वुडन खत्म हो रहा है ना, ठीक इसका थोड़ा सा गैप छोड़ के हम एसी लगवा देंगे और वहां से वायर जो है नीचे की तरफ से उसमें डाल देंगे, और जो एक्सटर्नल यूनिट है वो तो बालकनी में ठीक इसके पीछे के साइड में आ जाएगा। बस पीछे के साइड में ध्यान ये रखना है कि जहां पे इसका पाइपलाइन जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का हमने प्लग पॉइंट दिया है, तो यहाँ लंबे इसी साइज में ना पाइप भी रन कर रहा होगा, तो बस वो पाइप के ऊपर में ड्रिल ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के पीछे हम करा लेंगे। ये ध्यान रखने की चीज होती है कि अगर आपका जहां पे पाइपलाइन गुजर रहा है, चाहे वाटर का हो चाहे आपका इलेक्ट्रिक का हो, वहां अगर आपने ड्रिल करवा लिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो वो नहीं करना चाहिए। हमेशा देखना चाहिए कि किस लाइन में जा रहा है हमारा प्लग पॉइंट, उससे गैप छोड़ के ही आपको कुछ भी ड्रिल करवाना चाहिए। तो अगर तुम्हारे मीटिंग के बीच में ये साउंड आएगा चलेगा? चला, क्योंकि आएगा ना साउंड कोर कटिंग का, तो बहुत आएगा है ना। कोई नहीं, जितना हो सकेगा मैं मैनेज करती हूँ, देखती हूँ। 12:15 बज रहा है, मतलब 12:15 को वायर अच्छा है। वो लंच टाइम पे हमारा जो ऑफिशियल लंच टाइम जो ब्रेक है उसी टाइम पे आ रहा है। मैनेज होने क्या ऊपर डालोगे बेडशीट के? मैट्रेस गंदा नहीं होगा। आज इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया अंगद के लिए ना कि मैं समझ सकती हूँ परेशान होगा वो, क्योंकि एक तरफ उसके बैक टू बैक मीटिंग है, मतलब आज पूरे दिन में उसके 8 मीटिंग है। हर एक मीटिंग जो है वो मिनिमम आधे घंटे का 25 मिनट का चलता ही चलता है। सोचिए इतने सारे मीटिंग्स उसको आज के दिन में ही होने, जो सारे अटेंड करने, और उसके बीच उसको टेंशन है कि ये काम भी होना है। तो आज काफी ज्यादा उस हिसाब से हेक्टिक तो हो गया। चलिए जितना मेरे से हो पाएगा उतना तो मैं मदद कर ही रही हूँ। काम स्टार्ट होगा अभी,
मुझे लगता है 2 घंटे लग जाएंगे प्रॉपर। अभी तो शायद कोर कटिंग वाले आए हैं, ये शायद इंस्टॉल करेंगे कि कोई और करेगा, ये सिर्फ ये कोर कटिंग करेंगे, पता नहीं। जो भी है, अभी अंगद वहां पे है, तब तक मैं लंच फटाफट बना लूँ। एक बार मेरा लंच अगर रेडी हो गया ना, तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं वहां आराम से बैठ के मॉनिटर कर सकती हूँ, अंगद अपना मीटिंग रहे, जो भी रहे। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को थोड़ा सा बॉइल कर लिया, पहले वॉश कर लिया फिर उसको बॉइल कर लिया है। अब आगे इसका बन जाएगा पुलाव। कुकर में बनाना आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। सोचेंगे किचन में मैं हूं तो मास्क क्यों पहना है, क्योंकि हो सकता है मुझे बुलाए और मुझे जाना पड़े, तो फिर मैं मास्क भूल जाऊंगी स्पीड में, इसलिए पहन के ही रखती हूँ, ताकि जितनी बार भी बुलाए रेडी रहूं, मैं मास्क ढूंढना ना पड़े इसीलिए। ये सिर्फ कोर कटिंग करने के लिए आए हैं, इसके बाद कोई और आएगा जो कि मेन इंस्टॉलेशन करेंगे, तो ये कोर कटिंग करके जाएंगे और फिर शायद वो आएंगे। वो आज आ जाए तो अच्छा है, वरना पता चला आज कोर कटिंग हुआ और कल इंस्टॉलेशन हुआ, तो फिर 2 दिन मुझे ये रूम का पूरा कारोबार ऐसा करना पड़ेगा। देखते हैं, इनकेस अगर आज वो नहीं आते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, बाई चांस ऐसा हो जाता है, तो हम लोग इस वाले रूम में सो जाएंगे, और उस रूम में जैसा रखा है पर्दा वगैरह खोल के ना, वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि फिर लगाओ शाम को, फिर नेक्स्ट डे निकालो, वैसा करना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। तो इस रूम में सो जाएंगे, वहां पे छोड़ देंगे। पर अगर आज ही आ जाए, जो कि मैं भी सोच रही हूँ कि इनका काम जब आधा हो जाएगा ना, तो मैं एक बारी दुकानदार को फोन करूंगी कि भैया इंस्टॉलेशन के लिए आप आज ही भेज दो, तो थोड़ा सा बात करके देखते हैं, पता नहीं। तो आपका ये वाला जो नंबर है जिससे आप फोन कर रहे हैं, इस पे मैं भेजूं लोकेशन? ठीक है, मैं लोकेशन भेजती हूँ। ओके। इंस्टॉलेशन वाले का फोन आया था, वो भी आ रहे हैं फाइनली, चलिए तो उनको लोकेशन भेजना है। चलिए, ये मुझे टेंशन हो रही थी कि क्या पता वो ना आए तो कैसे होगा, 2 दिन लग जाएगा, पर आ रहे हैं। नहीं, तो पानी चारों तरफ उड़ता है। हाँ, तो उड़ेगा नहीं, प्रोटेक्शन के लिए किया। घर में कुछ भी हो रहा होता है ना, तो मैस तो हो ही जाता है, भले होने के लिए एक रूम में हो रहा है, पर पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। इसी रीजन की वजह से ना, मोस्टली हमने सारा काम जो है वो इंटीरियर का जितना भी कुछ था, सब कुछ हमने शिफ्टिंग से पहले ही कर लिया था, ताकि घर में बाद में कोई भी चीज नई ना ऐड करनी पड़े, और फिर से ऐसा मतलब ना लगे मौका। घर लेने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज ही ली है बड़ी, जिसमें कि ऐसे मतलब लोगों का आना, ड्रिलिंग, वेंडर, ये वो। एक तो हमने डिशवॉशर किया था, और अब एक एसी कर रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ भी हमने इसलिए नहीं किया था, क्योंकि अगर आप शिफ्ट हो जाते हो ना, उसके बाद आप कुछ भी घर में करवाते हो, तो पूरा घर उसके बाद गंदा हो जाता है, और हर जगह धूल उड़ता है, फिर सबको वाइप करिए, बहुत मेहनत लगती है। लंच का प्रिपरेशन हो गया, डन। पुलाव बना लिया एकदम सिंपल सा, और मुझे इतना भी टाइम नहीं था कि मैं गार्लिक ऐड करूं, मैंने इसे सिंपल सा बना दिया, और एग बॉईल कर रही हूं, तो पुलाव और बॉइल्ड एग खा लेंगे। ऑफ कर देते हैं, करंट चला गया, डीजी भी ऑन नहीं हो रहा। बाहर है तो फिर हमारा फ्यूज उड़ा। बाहर है तो मतलब फ्यूज उड़ा, ट्रिप तो नहीं हुआ है। लीजिए, ट्रिप नहीं हुआ है, फ्यूज उड़ा है। सोसाइटी में कहीं और नहीं गया तो फ्यूज ही उड़ा है, मतलब बताइए। ट्रिप नहीं हुआ है, फ्यूज उड़ गया शायद, ये इतना हैवी मशीन चल रहा है ना, तो अब जाकर के नीचे इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, फ्यूज रिपेयर करवाना पड़ेगा,
चलिए ये सब तो कुछ ना कुछ होना ही है, पार्ट एंड पार्शल। कुछ भी काम कराइए ना, तो उसमें दो चार अगर ऑब्स्टेकल्स ना आए तो कैसे काम हो सकता है ना। नहीं यहाँ पे ला रहा है करंट, लिफ्ट चल रहा है, अलग ही मुसीबत है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं फिट नहीं होगा, और जो फिटिंग वाला है वो बंदा भी निकल चुका है। उसने सोचा कि जब तक वो आएगा तब तक कोर कटिंग का काम हो जाएगा, अभी कोर कटिंग का काम ही अटक गया। फोन तुम्हारे ही पास था ना, है? हाँ। उसको पता है, शक गया कि हमारा गया है, क्योंकि सबसे पहले उसने आगे चेक किया कि ड्रिप हुआ है कि हाँ। शायद कॉमन होगा हर अपार्टमेंट में ना, ऐसा हो जाता होगा। ठीक है ठीक है तुम, हाँ बोल रही, बेल भी नहीं बजेगा ना, लाइट नहीं है। इनको खुद ही आता था रिपेयर करना, तो इन्होंने फ्यूज खुद ही बना लिया, और थोड़ा सा ना मोटा वाला वायर डाल दिया। पहले का वायर थोड़ा सा पतला था, तो ये मोटा वाला डाला ताकि मशीन का वो उठा सके, तो उन्होंने खुद ही जाकर के चेंज करा। इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है ना, हर अपार्टमेंट में ये सब प्रॉब्लम होता ही होगा। तो चलिए वो तो हो गया, इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाना पड़ा। अरे ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इन्होंने ना प्लास्टिक बैग लगा दिया है, तो हम लोग जो डर रहे थे कि पानी उड़ेगा वो, हाँ आ गया करंट, कि पानी उड़ेगा, दीवार का पेंट खराब होगा, तो इनके पास बहुत अच्छा सिस्टम है। इन्होंने प्लास्टिक का लंबा सा वो बना दिया है, तो जो भी पानी है वो उसके अंदर से ड्रिप होकर के सीधा बाल्टी में जा रहा है। चला गया, मैं फ्रिज ऑफ कर देती हूँ, फ्रिज बंद कर दिया वरना ये फ्लक्चुएशन से ना। हाँ तो इनको अच्छे से वो चीज पता है, अच्छे से इन्होंने मैनेज किया, तो उतनी गंदगी नहीं हो रही है। तो ये अच्छा लगता है जब जो कोई काम करता है उसमें प्रो होता है, उसको पता है कि कैसे चीजों को हैंडल किया जाए, और लोगों को कितना मेहनत लगता है बना बनाया घर में वापस से पेंट करवाना, टचअप करवाना, तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो मैं हैप्पी, और बस मेरे यहाँ पे अंडे उबल रहे हैं, मेरा पुलाव बन चुका है। बड़ा सा होल किया है और यहाँ पे एक छोटा सा होल किया है, और ये जो भी डैमेज आप देख रहे हैं ना, ये तो एसी से छुप जाना चाहिए, और बाकी जो बचेगा ना कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे टचअप की जरूरत है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया है, थोड़ा सा वहाँ पे, मतलब हर जगह हाथ वाथ लगा है गंदा हो गया, तो जब एसी लग जाएगा बाद में हम लोग वो खुद से ही पेंट का टचअप दे देंगे। और ये बालकनी में भी पूरा कचरा हुआ है, ये सब बाद में ही क्लीन करेंगे। देखिए पानी कहीं नहीं गिरा, ये सब तो थोड़ा बहुत सीमेंट वगैरह गिरेगा ही, पर पानी कहीं नहीं गिरा, यहाँ तक भी पानी नहीं आया, तो उसने किया एक्चुअली बहुत अच्छे से। 1200 इंस्टॉलेशन, 900 रुपए, 950 स्टैंड का, फिर 850 कॉपर पाइप, एक मीटर का है ना, तो 24 प्लस 150 मतलब 2525 550 ठीक है। वो क्या होता है जो रैप करते हैं ना कॉपर वायर को, उसका भी लोगे? ठीक है बताइए कितना, 480 फिटिंग हो रहा है, और मैं आई हूँ बनाने के लिए उन लोगों के लिए चाय, और मेरे पास में टोस्ट बिस्किट है, सोच रही हूँ चाय और बिस्किट दे देती हूँ। अभी बच गए हैं 3, और शायद अभी 1 घंटा और लगेगा। और एक बात और है कि इसमें ना प्लग नहीं आता, मतलब शायद किसी एसी में नहीं आता, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं इसमें प्लग नहीं है, वो प्लग लाने के लिए जाना पड़ेगा। हमें पहले से पता नहीं था, वरना हम ले करके रखते, तो 5 एम्पियर का जो प्लग आता है ना वो चाहिए रहेगा। तो अंगद की तो मीटिंग ही मीटिंग है, तो फ्री नहीं है, तो बोलते हैं उन लोगों में से कोई जाकर के अगर ला दे तो सही रहेगा। मुझे नहीं पता था ये बात कि एसी के साथ में प्लग नहीं आता है, थोड़ा वियर्ड है राइट, तो एटलीस्ट तार का और प्लग साथ में तो आना चाहिए। खैर जो भी है, अब जो है सो है, वो लेकर आएंगे। तब तक मैं चाय बनाती हूँ, मैं अंगद नहीं पियेंगे, हम लोगों को बिल्कुल पीने का मन नहीं है। ये तो लग चुका है, नीचे की साइड में आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे दीवार में जो दाग आया ना, वो पहले वाले बंदे ने जिसने ये किया था ना कोर कटिंग, उसने वहाँ पे चिपकाया था सैलो टेप, तो उसका दाग है, तो वो हम पेंट का एक टचअप मार देंगे तो उससे चला जाएगा। फिलहाल अभी ये लग गया है, प्लग नहीं है उनके पास, तो वो लोग गए हैं प्लग लाने के लिए, फिर बस आई थिंक अटैच करना है और हो गया। इसका रिमोट जिसमें कि बैटरी अभी है नहीं, तो बैटरी हमें डालनी है।
चेक कर रही थी कि इंटैक्ट है या नहीं, क्योंकि पिछली बार जब यूज किया था टचअप के लिए उसको बहुत टाइम हो गया है, तो पेंट बिल्कुल इंटैक्ट है। अभी लास्ट में इसका टचअप मारना है बस, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है आज। लेकिन जब ये सारा काम हो जाएगा, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद आई थिंक बहुत अच्छा लगने वाला, जब इसी की ठंडी हवा लगेगी इतनी गर्मी में। मैं तब से यही सोच सोच के अपने आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि कोई नहीं सोना कर ले, थोड़ा दो घंटे की बात है, चार घंटे की बात है, एक बार जब पूरा घर साफ हो गया, एसी ऑन हो गया, सोचो उसके बाद कितना मजा आने वाला है सोने में। तो ये कर करके अपने आप को मैं ये मोटिवेट करके रख रही हूँ, अदरवाइज तो इतना कितनी इरिटेशन हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये रोलर है हमारे पास, एक ये बड़ा वाला है अगर ज्यादा एरिया कवर करना हो, और एक ये छोटू वाला है अगर कम एरिया कवर करना हो। घर में हम लोग क्या क्या रखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग रखते हैं हमेशा पुट्टी, तो ये देखिए बिरला व्हाइट का 1 kg का पुट्टी का पैकेट रखा हुआ है। ये वाला हो गया सीमेंट, जो सीमेंट अभी यूज में आएगा इसको गैप को भरने के लिए। उसके बाद ये हो गया ग्राउटिंग, तो ये ब्राइट व्हाइट कलर का ग्राउटिंग है, ये टाइल्स के बीच में काम आता है, तो किसी भी टाइल्स में व्हाइट कलर का हो, जमीन पे हो कहीं भी, उसमें लगाने के लिए पुट्टी होता है। और ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे पीओपी वगैरह में काम होता है। यहाँ पे जो इसका वायर है ना, उसको मैंने नीचे ऐसे गिराने को बोल दिया, क्योंकि ऊपर तो हमारा कर्टेंस आ जाता है। घर का मैस, ये धूल आपको दिख रहा होगा कितना सारा है।